कौन है तू? शकल देख के भी पता नहीं लगा के कौन मैं। गुंडी क्यों लाई? गुंडी इसलिए लाई है के तड़े वर्गे बेगैरत नस के बाहर ना चले जा। तेन नहीं पता मैं चौधरी हाँ। ते मैं तेरे वर्गे चौधरी ने इस दुनिया तो चुकन की कसम खा बैठा वहां। नहीं बाबा हो जाए बेगैरत नु इस धरती से जिंदा रहन का कोई हक नहीं। नहीं पुत्रा एदे वास्ते नहीं काफी है। जाए चला जाए तो मेरी एक गल याद रखी जब मुड़ के इस घर वाल मुंह किया ते मैं तेरी नस्ल मुका देंगा। जाए चला जाए तो तू कौन है पुत्रा? अब्बा ए राका है, राका डाकू। राका डाकू नहीं थी जेड़े इज्जता दे रखवाले हो और डाकू नहीं हो सकते। पुत्र तू मेरी इज्जत बचा के मेरे ते बड़ा वड्डा एहसान किया है पर तू डाकू वाले कपड़े क्यों पाए ने? मैं डाकू नहीं बाबा जी, मैनु इना जालम जागीरदारा ने डाकू बनाया। मैं कसम खा दी है कि ना इना दा नामो निशान रहन देंगा ते ना ही इना दा जुल्म। पर पुत्र क्यों? बाबा जी मेरा भी तेरी तरह एक हस्ता वस्ता ते सोना जिहा घर सी। मैं हर जालम इंसान का दुश्मन जरा गरीबों की इज्जत मैली अक्सर देखता है। राघव अली मैं एक गरीब ते कमजोर इंसान हूं, मेरे को इस धी का पार नहीं चुकया जा सकता। तू इस गरीब की इज्जत में अपनी गैरत बना लै ते सिर ते लाल चुन्नी रख दे कि मैं सुख नाल चिट्टा कफन पा सका। कह रहे हो मैं तेरे के हाथ जोड़ना पुत्र। मैं गुनाकार ना करो बाबा जी, मैं कि इम्तहान पा दिता जी। एदा फैसला मैं तुहानू कल आके सुनावांगा। तू इना बेचैन कदे नहीं सी होया सरदार, की गल है? हानू तू मेरा यार है इसलिए गवाह रवी कि मेरे इन हाथों ने आज तक कदे किसी मजलूम से कोई जुल्म नहीं किया। मैं डाकुआं दी इस दुनिया च अपने मोढ़े से इंतकाम का भार लैके आया सां ते अज जो भार ला के जिस दुनिया च आया सां उसे दुनिया च फिर वापस जा रहा हां। की कह रहे हैं सरदार? एक कसम ना करी तेन उस दुनिया ने कबूल नहीं करना। ओ दुनिया मैनू कबूल करे या ना करे पर मैं किसी नू कबूल करन दा फैसला कर लिया। खानू अपने लिए ते सारी दुनिया जिंदा रहती है पर जिंदगी होवे जिहड़ी किसी दे काम आवे। अज एक बुजुर्ग ने मेरे ते इतबार करके मैनू अपनी इज्जत दा राखा बनाने की ख्वाहिश तार की है, मैं उहदी ख्वाहिश जरूर पूरी करांगा। मेरा नाम राघव अली है ते तेरे जे शेरा ते मैं सवारी करना वा। मेरे रस्ते चो हट जाओ ए कोचवाना। नहीं हटांगा नहीं हटांगा, तेनु सजा दित्ते बगैर नहीं हटांगा। Thank you.
शेरे, भागने की कोशिश की तो गोली मारूंगा। मार लेना मैनू गोली थानेदार साहब, पहले मैनू मेरी बच्ची बचा लेने दो। मेरी बच्ची इस बात से गई है, मैं अपनी बच्ची को लेना चाह रहा हूं। खामोश, तू भागने का बहाना बना रहा है। औला इन्हें कहीं बुला लो। सरदार साहब, मैं तेनू गिरफ्तारी दे दूंगा, मैनू मेरी बच्ची ले लेने दो। खुदा दा वास्ता जी, ओए रब दा वास्ता जी, मैनू मेरी बच्ची ले जाओ। ओए कोचुआ ना, ओए तू नस के जाएगा कितने। ओए तू मेरे कोलो मेरी जिगर दा टुकड़ा को है, मैं तेरे कोलो तेरी जिंदगी खालूंगा। जिंदगी रब्बुल कुद्दूस, तू गफ्फार है, तू माफ करने वाला है। ऐ परवरदिगार, अपने खुदाई दे सदके मेरे पर रहम कर, मैनू माफ कर दे। मेरे बीवी बच्चों की जुदाई की जड़ी अग मेरे दिल च लगी हुई है, लगता मैनू सार के सुआ कर देगी। तू अपनी खुदाई दे सदके च, अपनी बुजुर्गी दे सदके च, अपने प्यारे हबीब दे सदके च, या अल्लाह मेरे बीवी बच्चों की मैंने कोई खबर पहुंचा दे मेरे परवरदिगार। टली दी टली वज के राख्या, नशियां दी अखीर जेल हुंदी है ते ओथे मैं आ गया यार। पर इक गल बड़ा अच्छा है यार, जिंदगी च तेरे नाल मुलाकात हो गई है ना। चली मेरे बीवी बच्चे ओ किथे ने? ओए चली, ओ हाथ बन के क्यों खलो गए? दसो किस हाल च ने? माफ करी यार, मैं तेरे बीवी बच्चे की हिफाजत नहीं कर सकता। की कह रहे हैं टली? तेरे जेल आने के बाद मैं तेरे बीवी बच्चे नु लेके पिंड चला गया था, ते उत्थे बदमाश चौधरी हाकू ने। ओए टली, की कीता चौधरी हाकू ने? चौधरी हाकू ने तेरी बीवी की इज्जत वाल हाथ उठाया सी। आका नहीं, टली नहीं हो सकता। हाकू, तू राके दा हुण जेल च रहना मुहाल कर दिता है। जे मैं इसे तरह जेल च सड़ के मरना है तो फिर क्यों ना तेरे जसाल मैनू मुका के मरा। मैं आ रही है, मैं आ रही। Thank you.
ओए 20 साल दा लाया होया पुराना मैदान चुप चुपी ते छड़ के नसाया है बैरिया। ओए मुसलमान ने दुआ सलाम ते लेनी थी मेरे रस्ते च ना शेरिया क्यों ना आवा। ओए तू अपने ती पुत्र नु मिलन जा रहा है उदो तक नहीं मिलन जाऊंगा जो तक मेरी सही नहीं मिल जाती जड़ी तेरी वजह ना विछड़ी सी। ओए शेरे ने जेल च तेरे वास्ते मैदान लाया सी ते हुण जेलों बाहर भी मैदान लाएगा। अज या शेरा रहेगा या राका। ने तेनु सुनहरी मौका दिता है तू ते जान बचा के निकल जा। ओए हुण साडे कोलो तेरे पिछे नहीं हो नस्या जाना निकल जा निकल जा। ओए नहीं तू मेरी खातर जेल तोड़ी है ते मैं तेनु रस्ते छट के तुर जावां। ए दुश्मन दी शान दे खिलाफ है तू मेरे नाल जाएगा ते मेरे मोढ़े ते जाएगा। झूठ बोलन की मैनू आदत नहीं होए ते सच बोलन तो मैं डरता नहीं। लोग मैनू राका डाकू कहते ने। राका डाकू बंदूक नीवी कर ले पुत्री मैं थे ठाका मर नहीं पना लेना आया वहां। ओ तुम इधर पना लेने नहीं अपनी मौत के लिए आया है। हम पठान है हम अच्छे आदमी के लिए तो अपने सीने पे गोली खा सकता है लेकिन तुम जैसे बुरे आदमी के सीने पे गोली मारता है। तुम कानून से बच गया है लेकिन हम से बचकर नहीं जाएगा। जहर हो जाओ। नहीं खान ने गोटी तुम दरमियान से हट जाओ। नहीं खान ए बुरा आदमी नहीं ऐसे बदन से काले कपड़े जरूर पर अंदर काला नहीं। ओए ओए तुम इसको कैसे जानता है तुम्हारा एक डाकू के साथ क्या चक्कर है। तुम तो इसका ऐसी तरफदारी करता है जैसे ये तुम्हारा पाप होता है। ऐना हुंदा ते अज लाल जोड़े विच तेरी इज्जत बढ़ के रहती कब्र विच कफन पा के सुती हुंदी। ए डाकू जरूर है पर इन्हें अपनी जान की बाजी ला के इज्जत बचाई है। मेरा ख्याल है कोई दूसरा डाकू हो गया। तुम इसको छुपाओ इसको छुपाओ। उसको जरूर पकड़ो मजबूत पकड़ो। डाकू कुछ इधर क्या देखता है वो सामने नहीं देखते वो सामने लाल जोड़े में खड़ा है वो तेरी बुढ़ी लग दी चलो चलिए तुम्हें सारा बगल जाए देता है डाकू ना निकल जाए। वक्त तो तुमने हमारा जाहिर किया थानेदार साहब।